Assalamu alaikum students, first year computer studies, chapter number 1, basics of information technology, lecture number 8. Aaj hum padhenge keyboard. Keyboard is the most commonly used input device. Keyboard ek bahut aam istemal hone wala input device hai. Yani ki ye har computer ke sath paya jata hai, zahir isiliye ye commonly used hai. The buttons on the keyboard are called keys. जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होते हैं उन्हें कीज कहते हैं. आज स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो 100 कीज पर मुश्तमिल होता है. अ कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेटिक कीज, फंक्शन कीज एंड स्पेशल पर्पस कीज. और जो कीबोर्ड होता है वो न्यूमेरिक कीज यानी कि नंबर वाली कीज, अल्फाबेटिक यानी कि अल्फाबेट्स ए बी सी वाली कीज और फंक्शन कीज जो कि खास फंक्शन करती हैं और स्पेशल पर्पस बहुत खास काम के लिए इस्तेमाल होने वाली कीज पर मुश्तमिल होता है. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो आमतौर पर क्वालिटी कीबोर्ड कहलाता है. दिस इज बिकॉज द फर्स्ट सिक्स कीज ऑन द टॉप रो ऑफ द लेटर्स ऑन दीज कीबोर्ड्स आर कॉल्ड QWERTY. इसकी वजह यह है कि जो पहली छः कीज़ होती हैं कीबोर्ड की पहली रो में, कीबोर्ड की पहली रो लेटर्स की रो में वो होते हैं QWERTY, इसलिए उन्हें क्वालिटी कीज़ कहते हैं. अब पढ़ते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड के मेन पार्ट्स क्या हैं. फंक्शन कीज़ मेन कीबोर्ड इन द मेन कीबोर्ड यानी कि सेंटर में जो कीज़ होती हैं वो मेन कीबोर्ड होता है. न्यूमेरिक कीज़ टू द राइट यानी कि जो राइट साइड पे जो कीज़ होती हैं वो न्यूमेरिक कीज़ होती है. फोर्थ पार्ट है एडिशनल कीज़ यानी कि इजाफी कीज़. अब जो पहला पार्ट है मेन पार्ट है तो कीबोर्ड का वो है फंक्शन कीज़. हम पढ़ लेते हैं इसको. फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 टू F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. जो फंक्शन कीज होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं कीबोर्ड के सबसे फ्रंट पे जो रो होती है वो होती है. और जो स्पेशल फंक्शन यानी कि खास काम के लिए इस्तेमाल होती है. देयर फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर. इनके जो फंक्शन होते हैं यानी कि जो काम होते हैं वो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं कि आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कैसा है नया पुराना. उसी हिसाब से ये फंक्शन कीज भी अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं. अब दूसरा पार्ट है मेन कीबोर्ड. द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड. द मेन कीबोर्ड वो मेन कीबोर्ड उस पर मेन की द मेन कीबोर्ड टाइपराइटर कीपैड पर मुश्तमिल होता है जो कि टाइपराइटर और कीपैड की तरह इस्तेमाल होती हैं. इट आल्सो कंटेन्स सम स्पेशल कीज. ये हमेशा एक खास किस्म की कुछ खास किस्म कीज पर मुश्तमिल होता है. द स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूजेज एंड इफेक्ट्स दैट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज. ये भी वही कीज है. ये खास किस्म की कीज जो मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए और मुख्तलिफ इनका मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ असरात होते हैं. ये भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किस टाइप का है. तो वह भी उसी तरह के मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है. अब आ जाते हैं हम 101 की इनहेंस कीबोर्ड पर. 101 की इनहेंस कीबोर्ड हैज सम एडिशनल कीज बिटवीन द मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक कीज. जो 101 की इनहेंस कीबोर्ड है वो एडिशनल कीज और न्यूमेरिक कीज के दरमियान कुछ खास किस्म के कीपैड पर मुश्तमिल होता है जो मेन कीपैड में होता है. इट ऑल्सो कंटेन्स स्टेटस लाइट्स इन अ पेयर राइट कॉर्नर. यह हमेशा स्टेटस लाइट्स पर मुश्तमिल होता है जो राइट कॉर्नर पे जो हमारे कीबोर्ड के जो राइट कॉर्नर आता है उसके ऊपर मौजूद होती हैं. स्टूडेंट्स ये 101 इनहेंस की के कुछ पार्ट्स हैं. उनमें आ जाता है एस्केप की यानी कि एस्केप करने के काम आती है किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को बैक करने के लिए. कैप्स लॉक की तब यूज़ होती है जब आपने अपने अल्फाबेट्स डॉक्यूमेंट पे कैपिटल करने हों तो कैप्स लॉक को दबाकर आपके जो अल्फाबेट्स होंगे लेटर्स होंगे वो बड़ी फॉर्म में आएंगे यानी कि कैपिटल फॉर्म में आएंगे. टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप यानी कि दूसरे टैब को स्टॉप करने के लिए कर्सर
को दूसरे टैब तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट की, शिफ्ट की इसलिए यूज़ होती है कि इसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस किया जाता है, जैसे कि अगर, यानी कि ये हास हास लेटर शो करने के लिए किसी लेटर की कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। अब आ जाता है कंट्रोल कीज। कंट्रोल की इज यूज्ड इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड्स। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओ, कंट्रोल की भी किसी अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कंट्रोल ओ, अगर हम कंट्रोल बटन के साथ ओ पुश प्रेस करें तो उसके साथ जो हमारा एक प्रोग्राम शो होगा वो होगा कि आपकी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ओ का मतलब ये कॉम्बिनेशन कीज होते हैं। अब एल की भी कॉम्बिनेशन कीज के साथ यूज होते हैं कि कोई खास प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। बैकस्पेस कीज, ये किसी करैक्टर, सिंगल करैक्टर को डिलीट करने के लिए यूज होता है। एंटर कीज, अगले पैराग्राफ के स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको प्रेस करें तो आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आप वहां से अपनी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब है कीबोर्ड का तीसरा वाला पार्ट, जो न्यूमेरिक कीज है। न्यूमेरिक कीज में सब जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक कीज होती हैं, वो आ जाती हैं। एडिशनल कीज होती है एरो कीज, जो आपकी कीबोर्ड के सेंटर्स जो राइट साइड होती है उस साइड पे जो चार कीज होती हैं वो एंटर कीज, एरो कीज होती हैं। इंसर्ट की, डिलीट की, होम एंड पेज अप पेज डाउन कीज, ये जो सब कीज हैं ये एडिशनल कीज में आ जाती हैं।